is overthinking every little step that you would ever take. As we grew older, you couldn't stop tying yourself into way too many knots. Just relax and feel the flow. It's time for you to let it all go. Catch the waves as they're rolling in. Reach up higher and go follow the sun. Sirf 1800 rupees per person mein aap log enjoy kar sakte ho ek pyara sa staycation with a private swimming pool, a complimentary jacuzzi, usi ke saath ye sundar sa park and all meals included. Hey guys, what's up? Welcome back to my channel Chop Munch Repeat and welcome back to yet another staycation vlog. Aaj hum log aaye hain Vada mein. Vada hai Palghar mein ek chota sa taluka jahan pe aaj ka hamara stay hone wala hai is khoobsurat 2BHK villa mein. This place is called as Indigo Drift Nature Retreat and yahan pe aapko काफी बजट में काफी अच्छा स्टे ऑफर करते हैं. लाइक आई टोल्ड यू 1800 पर पर्सन ये इनका वीकडे स्पेशल ऑफर है. तो आप लोग अगर 8 के ग्रुप में आ रहे हो तो आपको सिर्फ 1800 पर पर्सन में ऑल मील्स इंक्लूसिव, दैट इज लंच, हाई टी, डिनर, ब्रेकफास्ट, कॉम्प्लीमेंट्री बारबेक्यू, सबके साथ इनकी सारी फैसिलिटीज मिलती है. यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा स्विमिंग पूल है जो आप मेरे पीछे देख सकते हो, थोड़ा सा अलग है कुछ लोगों के लिए. उसी के साथ दे ऑल्सो हैव अ जकूजी एंड अ वेरी प्राइवेट एम्बियंस. एट द सेम टाइम दिस प्लेस इज सो ब्यूटिफुल एंड हैज सो मच ऑफ नेचर टू ऑफर. आई कांट वेट कि आप लोग कब ये प्रॉपर्टी देखोगे. बट बिफोर स्टार्टिंग विद द प्रॉपर्टी टूर, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ दो जो मेरे चैनल पे नए आए हैं. हाय गाइस, माय नेम इज शमा एंड आई क्रिएट कंटेंट अबाउट फूड एंड लाइफस्टाइल हियर ऑन चॉप मंच रिपीट. सो इफ यू एंजॉय वॉचिंग माई वीडियोज एंड फाइंड देम हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन. एंड विद दैट वी गोना स्टार्ट विद द प्रॉपर्टी टूर. चलो. सो दिस इज द ब्यूटिफुल एंट्रेंस ऑफ आर टूडेज स्टे, इंडिगो ड्रिफ्ट नेचर रिट्रीट. जैसे ही आप लोग अंदर आते हो, ये जो आप देख रहे हो ये 2BHK विला में आज का हमारा स्टे होने वाला है. एवरीथिंग लुक्स सो प्रॉपरली केप्ट, मतलब एक एक चीज इतनी सुंदरता से रखी हुई है. सबसे पहले अंदर आते ही सामने है ये स्विमिंग पूल. सो दिस इज लाइक अ ओवरग्राउंड स्विमिंग पूल दे हैव. ये स्विमिंग पूल में आपको दिन भर एक्सेस है गाइस, कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो आप जब मन करे तब मस्ती कर सकते हो. पूल के साइड में ही यहाँ पे ये छोटा सा ऐसे स्टेज टाइप का गज़ीबो टाइप बना हुआ है एंड इसके सामने ये है प्ले एरिया. आप लोग देख सकते हो इतनी हरियाली है ना यहाँ पे. देयर इज दिस लॉन हियर. उसी के साथ में यहाँ पे ये छोटा सा प्ले एरिया है, गार्डन है. आप देख सकते हो ये स्विंग लगा हुआ है जो बहुत प्यारा लग रहा है. बच्चे लोग भी यहाँ पे बहुत एंजॉय करेंगे. उसी के साथ यू नो यू कैन हैव अ ब्यूटिफुल टाइम ये पेड़ पौधों के बीच में. जहाँ भी दूर दूर तक देखोगे ना आपको सिर्फ ग्रीनरी दिखने वाली है. द प्लेस, द स्पेशली द एक्सटीरियर्स ऑफ द प्लेस आर वेरी नाइसली मेंटेन्ड. आई मीन आई एम अ फैन ऑफ दीज प्लांट्स. लुक एट दिस ब्यूटी यार, ये है ना, ये है असली स्टेकेशन का मजा. दिस इज लाइक अ वन स्टोरी विला. तो इसका एक बेडरूम नीचे एंड एक बेडरूम ऊपर है, प्लस टेरेस भी है. मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगी. ये इनका एंट्रेंस है, बड़ा ही क्यूट सा है. लेट्स गेट इनसाइड. वेलकम टू आवर स्टे फॉर टुडे. अंदर आते ही सबसे पहले है ये बहुत ही प्यारा सा लिविंग एरिया. आप लोग देख सकते हो लिविंग एरिया में इन्होंने बहुत सारी सिटिंग प्रोवाइड की है. ओवरऑल प्लेस की वाइब है ना, बहुत ज्यादा कोजी एंड बहुत ज्यादा क्यूट है. देयर आर लॉट ऑफ कलर्स गोइंग ऑन एंड अगर आपका बड़ा सा ग्रुप है ना, आप लोग के लिए बैठने के लिए इनफ अरेंजमेंट्स है. दे हैव आल्सो प्रोवाइडेड सम एक्स्ट्रा चेयर्स. यहाँ पे कॉर्नर में यू नो ये प्लांट्स रखे हुए हैं, काफी सारी बुक्स रखी हुई है. उसी के साथ छोटी छोटी चीजें जैसे ये लाइट्स, दिस फ्रेम, इट्स एडिंग सो मच टू द पर्सनैलिटी ऑफ दिस प्लेस. लिविंग रूम में एसी दिया हुआ है एंड राइट नेक्स्ट टू द लिविंग रूम यहाँ पे है ये किचन स्पेस. सो दे हैव दिस इलेक्ट्रिक बुफे जिसमें ये लोग खाना सर्व करते हो, तो आपको एकदम गरम गरम खाना मिलेगा. साथ में इन्होंने सारी इंपॉर्टेंट क्रॉकरी एंड यूटेंसिल्स दिए हुए हैं. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितने सारे ग्लासेस रखे हैं. देयर इज आल्सो दिस माइक्रोवेव, तो अगर आप क्विकली कुछ गर्म करना चाहो वो भी है. मिक्सी इज देयर. साथ में यहाँ पे फ्रिज भी दिया हुआ है. लिविंग एरिया में ओवरऑल काफी अच्छी वाइब चल रही है एंड यहाँ पे ये टीवी भी दिया हुआ है. एंड देन यहाँ से ही ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां है, बट ऊपर जाने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ द फर्स्ट बेडरूम. सो दिस इज द बेडरूम. दे हैव अ वेरी कोजी बेडरूम हियर. यहाँ पे डबल बेड दिया हुआ है. दे हैव प्रोवाइडेड द क्लीन टॉवल्स एंड उसी के साथ ये ट्रिपल शेयरिंग वाला रूम है. सो देयर इज आल्सो दिस सिंगल बेड. तीन लोग यहाँ पे आराम से सो सकते हैं. बेडरूम काफी बेसिक है बट एसी दिया हुआ है. यहाँ पे ये वार्डरोब है जिसमें इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा ब्लैंकेट और सोने का सामान दिया है। उसी के साथ यहाँ पे ये एक फुल लेंथ मिरर भी है, छोटी छोटी चीजें जैसे कपड़े सुखाने के लिए ये स्टैंड और आपके जरूरत का सारा सामान यहाँ पे दिया हुआ है। राइट आउटसाइड दिस बेडरूम ये वॉशरूम है, दिस इज अ वेस्टर्न टॉयलेट, देयर इज अ गीजर एंड काफी क्लीन वॉशरूम है, टॉयलेटरीज भी आपको प्रोवाइड की जाती है। एंड अभी यहाँ से चलते हैं सीधा ऊपर, ऊपर आप लोग के लिए एक सरप्राइज है। सो राइट ऑन टॉप ऑफ द फर्स्ट बेडरूम दिस इज द सेकेंड बेडरूम, ऑल पिंक, एवरीथिंग स्मेल्स रियली गुड, काफी अच्छा बेड रखा हुआ है यहाँ पे। ये भी ट्रिपल शेयरिंग है तो यहाँ पे भी एक और सिंगल बेड है। यहाँ पे इन्होंने ये वॉशिंग मशीन भी दी हुई है, साथ में देयर इज एसी एंड देन दिस फुल लेंथ मिरर, हेलो। एंड देन इस बेडरूम से निकलते ही ओके रुको हियर इज वन मोर वॉशरूम, सो दिस इज द सेकंड वॉशरूम। टोटल विला में दो वॉशरूम्स है। सो दे हैव दिस वेरी नाइस टेरेस एरिया हियर, यहाँ पे इन्होंने ये लॉन सा लगाया हुआ है एंड यू कैन सी हियर वी हैव अ ब्यूटीफुल जकूजी। आई कांट वेट कि हम लोग इसको ओपन करके मस्त इसमें चिल करेंगे। यहाँ से आप लोग आसपास व्यू भी देख सकते हो, एवरीथिंग लुक्स सो फ्रेश, राइट फ्रॉम दीज पिंक फ्लावर्स टू द ग्रीन लॉन टू दीज ट्रीज। ऊपर रूफ भी दिया हुआ है एंड सामने आपको सीधा, आप ये देखो व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, यू कैन सी द पूल, यू कैन सी द गार्डन अंडरनीथ। एंड ये लोग देखो किधर घूम रहे, हेलो किधर जा रहे हैं। यहाँ पे फोटोग्राफी भी चल रही है बट लिटरली गाइस पूरी प्लेस है ना एकदम फोटोजेनिक है, काफी अच्छी इंस्टा स्पॉट्स है यहाँ पे। एंड विद दैट वी गोना फिनिश आवर प्रॉपर्टी टूर राइट हियर। इसके बाद अभी हम लोग करेंगे सीधा लंच। आई कांट वेट टू शो यू कि फूड में क्या क्या है। फॉर एनी अदर डिटेल्स प्लीज रेफर टू द डिस्क्रिप्शन, बुकिंग की डिटेल्स भी मैंने वही दी हुई है। बहुत सारे खाने के बाद एंड बहुत सारा टाइम स्विमिंग पूल में बिताने के बाद अब हम जा रहे हैं ऊपर जकूजी में। यहाँ पे ना ऐसे हो रहा है कि एक दिन मुझे लगता है बहुत कम होने वाला है, बहुत सारी चीजें है करने वाली। चलो इट इज 6:30 राइट नाउ एंड अभी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे पास में एक नदी है तो नदी देखने जा रहे हैं। आई होप वहाँ पे जाते जाते अंधेरा ना हो बिकॉज सनसेट ऑलरेडी हो गया है एंड हम लोग पूल में इतनी देर पड़े थे ना कि बहुत देर हो गई है बट वी स्टिल गोना गो। बट बहुत प्यारी नदी है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी है एंड दिस इज द सेम ब्रिज जो हम लोग लेते हैं आगे जाने के लिए। यहाँ से ना आई थिंक हार्डली 2-3 किलोमीटर पे होगा जो हमारा स्टे है। बट लुक एट द ब्यूटीफुल नदी, यहाँ पे आप सुबह सुबह भी आ सकते हो एंड आई थिंक बारिश के टाइम पे तो ये पूरी भर जाती होगी। लुकिंग एट दिस, वाओ गाइस, अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप, अपनी मम्मी के साथ कभी भी समुंदर नदी किसी के पास मत आना, शी विल नॉट लेट यू शूट क्योंकि आप डूब जाओगे, क्योंकि आप डूब जाओगे। मैं यहाँ भी डूब सकती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइज, इट्स डे 2, आई एम वेटिंग फॉर द सनराइज। ओके 10-15 मिनट में को उठ के बट मुझे सन के कोई आसार नहीं लग रहे, इनफैक्ट इट्स वेरी क्लाउडी टूडे। सो बाय द टाइम द सन कम्स वी गोना ब्रश आवर टीथ लाइक अ गुड गर्ल। ऑल्सो आई जस्ट रियलाइज माई हेयर लुक सो बैड, इग्नोर इट, मैं रात को बाल खुले रख के सो नहीं पाती, इट्स प्रॉब्लम। This vlog guys, I hope you all enjoyed this video and found it helpful. Before ending this video, I would like to give you my short review about this place. पहले तो हमारा experience यहाँ पे काफी comfortable रहा है. They are full-time caretakers. They will take care of all your needs. The food was amazing. The barbecue was top notch. मतलब मजा ही आ गया. For a change, मुझे chicken से ज़्यादा पनीर भी बहुत अच्छा लगा. I think this place is really good for 6 to 8 people. जैसे 8 लोग यहाँ पे comfortably अपना stay enjoy कर सकते हैं. उससे ज़्यादा लोगों के लिए भी इनके पास accommodation facilities है. यहाँ पे ये लोग ऐसे टेंट भी सेटअप करते हैं तो इफ यू वांट टू हैव अ नाइस कैंपिंग अंडर द स्काई एक्सपीरियंस तो आप लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे। नेटवर्क का थोड़ा इशू है, नेटवर्क इतना ज्यादा अच्छा नहीं है बट दे हैव अ वाईफाई। बुकिंग से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, गो चेक दैट आउट। अगर और भी कोई क्वेश्चन होंगे बेझिझक मुझे कमेंट्स में पूछना। इस वीडियो का शाउट आउट जाता है रचना दिघे को, थैंक यू सो मच रचना फॉर योर लवली कमेंट। इफ यू गाइस वांट टू बी पार्ट ऑफ माय नेक्स्ट वीडियो यू नो व्हाट टू डू, जस्ट ड्रॉप अ कमेंट डाउन बिलो, अपने थॉट्स मेरे साथ शेयर करो, साथ में ऐड करो #chopmunchfam। जिस किसी का कमेंट मुझे अच्छा लगेगा उसे
मेरी अगली वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक आई थिंक बारिश होने वाली है। बाय गाइज, लव यू, टेक केयर।